हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक स्लीव डिज़ाइन जिसकी बॉटम में हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मैंने स्लीव ली है और पट्टी ली है जो मैंने इसके साथ अटैच करनी है। तो सबसे पहले हम स्लीव चेक करेंगे, स्लीव की लेंथ कितनी है। स्लीव की लेंथ मुझे तैयार 15 चाहिए, तो इसकी लेंथ हम देख लेते हैं पहले कितनी है। तो हमने सिर्फ आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे मार्जिन के लिए लेना है, बाकी हम तैयार लेंथ ही लेंगे। तो ये देखिए, ये 16 मेरी तैयार आ रही है, मतलब अभी आ रही है। तो 16 है तो हाफ इंच नीचे जाएगा हमारा पट्टी जोड़ने में, और हाफ इंच ऊपर की साइड जाएगा, ये हम मार्क कर लेते हैं, और हाफ हमारा कंधी जोड़ने में जो हम स्लीव कुर्ती के साथ अटैच करेंगे उसमें जाएगा। तो तैयार फिर ये हमारी 15 ही आएगी, तो बस इतनी ही हमें चाहिए। तो अब हम इसमें पट्टी जोड़ना स्टार्ट करते हैं जिसका हमने डिज़ाइन बनाना है वो हम। तो ये देखिए हमारी बैक साइड है, तो हमने बैक साइड में ही इसको रखना है, इस तरीके से टर्न करके बैक साइड ही में हम अपनी साइड रखेंगे और इसके ऊपर हम पट्टी रखेंगे, उसको अटैच करेंगे। तो ये जो पट्टी लिया हमने, तो पहले मैंने 2 इंच की पट्टी इसके साथ अटैच करनी है। ये देखिए ये लगभग 2 इंच की हैं, बाकी 2 पट्टियाँ मेरी 1.5 इंच की हैं। ये जो 2 और ली हैं मैंने, ये 1.5 इंच की हैं दोनों, ये देखिए 1.5 इंच की हैं। तो जो 2 इंच वाली पट्टी है हमारी तैयार होके वो 1 इंच आएगी, और जो 1.5 वाली मैंने काटी है वो तैयार होके 1.5 इंच आएगी। तो ठीक है, इसको ये बड़ी वाली हमारी 1 ही इंच आएगी तैयार होके। तो अब हम इसको इस पर अटैच करना, बाजू पे अटैच करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने रखनी है, और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आधा इंच का मार्जिन हम इधर से लेंगे और इसको सीधी अटैच कर लेंगे। ये हमने कट भी लगा रखा है बाजू में आधे इंच के मार्जिन का, तो यहीं से हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है, ना हमने पट्टी खींचनी है ना बाजू खींचनी है। तो ये देखिए सिलाई हमारी लग गई है, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने कट कर लेना है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन इसको हम कर लेंगे कट इस तरीके से। अब हमने इसको ऐसे मोड़ना है, इस तरीके से ऐसे मोड़ना है, नखून से इसको ऐसे प्रेस कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। और अब सीधी साइड पलट कर हमने ऐसे टर्न करना है इसको, इस तरीके से ऐसे टर्न करके हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, कपड़ा हमारा इस साइड दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पर हमने ऊपर सिलाई लगा लेनी है, बस नीचे वाला कपड़ा मतलब कुर्ती का कपड़ा हमारी फ्रंट साइड में नहीं दिखना चाहिए, और बिल्कुल किनारे पे हमने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए सिलाई लग गई है, ये देखिए सिलाई लग गई है। अब हमने इसको ऊपर की साइड से मोड़ना है, 1 इंच का मार्जिन हमने रखना है, मतलब 1 इंच पट्टी चौड़ी हमने रखनी है, और बाकी सारा अंदर की साइड मोड़ कर हमने इस पर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से देखिए सेट कर लेना है पूरे को, कॉटन का कपड़ा है इजीली सेट हो जाता है। और इस तरीके से हमने चेक करना है कि 1 इंच हमारी चौड़ी पट्टी ये दिख रही है, तो अब हम इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने बिल्कुल किनारे पे लगानी है, मतलब नीले वाले कपड़े के ऊपर ही लगानी है, और कपड़ा सेट करते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई हमारी लग गई है, और अब हमने दूसरी पट्टी लेनी है, जो हमने 1.5 इंच की पट्टी काटी थी वो लेनी है। तो हमने यहाँ पर से आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है, ऊपर की साइड हमने हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेके मार्क कर लेना है, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि हम जो दूसरी पट्टी लगाएं वो बिल्कुल सीध में लगे, आधे इंच का मार्जिन छोड़कर ही लगे। तो इस तरीके से आधा आधा इंच पर मैंने मार्क कर लिया है, और इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर इसके ऊपर हमने अब ये वाली पट्टी जोड़नी है। तो इसको हमने किस तरीके से मोड़ना है, एक बार इस तरीके से मोड़ेंगे और दूसरी बार उस साइड से मोड़ेंगे, और इस तरीके से एक बॉक्स सा बना लेंगे। तो ये जो पट्टी हमने मोड़ी है, ये जो आएगी मुड़कर, ये हमारी हाफ इंच होनी चाहिए, इतनी हमने मोड़नी है कि तैयार होकर हाफ इंच निकले। तो ये देखिए इस तरीके से ये दिख रही है, और बिल्कुल जो मैंने मार्क की है लाइन, इसके ऊपर ही रखते हुए हमने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सेट करते हुए इसके ऊपर रखकर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से जैसे हमने नीचे वाली पहली पट्टी में हमने किनारे किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगाई थी, बिल्कुल वैसी ही सिलाई हम बिल्कुल इसके कॉर्नर पे लगाते हुए आएंगे, और पट्टी हमने पूरी सेट करते हुए आना है ताकि वो इक्वली बने, पूरी इक्वल ही बने मार्जिन के साथ। अब देखिए एक साइड की सिलाई लग गई है, अब हमने दूसरी साइड की सिलाई लगानी है, मतलब जस्ट ऊपर वाली लगानी है, जैसे हमने नीचे वाली पट्टी में लगाई थी सेम वैसे ही सिलाई हमने ऊपर की साइड भी लगानी है। इसको अच्छे से सेट कर लेना है, देख लेना है कहीं मोटी या पतली तो नहीं है, और फिर सेट करके मार्जिन को अंदर की साइड सेट करते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है हमने, और सिलाई हमने बिल्कुल कॉर्नर पे ही लगानी है।
तो देखिए दो पट्टी लगकर हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं, और सेम ही तरीके से हमने तीसरी पट्टी भी लगा लेनी है, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट कर लेना है। तो देखिए अब हमने हाफ इंच का फिर मार्जिन, हाफ इंच की दूरी पे फिर लाइन ड्रॉ कर ली है, और इस पट्टी को अब मैं दूसरे तरीके से आपको लगाना बताऊंगी। एक तरीके से तो मैंने बताया कि दोनों को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और रख कर सिलाई लगा लेनी है। अब जो दूसरी पट्टी लगाएंगे हम, उसको हम आधा इंच ही मोड़ेंगे, ये देखिए हाफ इंच ही टर्न करेंगे, और पहले हाफ इंच रख कर ही हम सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड का हम बाद में मोड़ेंगे। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको ईजी लगता हो उस तरीके से लगाएं, किसी को वो तरीका अच्छा लगता है किसी को ये, तो जो भी आसान हो उस तरीके से लगाएं। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल सीधी सिलाई जैसे नीचे दोनों में लगाई है वैसे ही कॉर्नर पे और सीधी सिलाई लगा लेनी है। हाफ इंच हमने मार्जिन अंदर की साइड मोड़ा है, ये देखिए सिलाई पूरी हो गई है। और अब हमने ऊपर की साइड से टर्न करना है, तो हाफ इंच हमने नीचे से टर्न किया था और हाफ ही हम ऊपर की साइड से टर्न करेंगे, और इस तरीके से टर्न करते हुए हमने पूरी पट्टी को हमने सेट कर लेना है। इस तरीके से एक बार में सेट करेंगे, कॉटन का कपड़ा है ये इजीली सेट हो जाता है, और इस तरीके से हाथ से ही दबा लेंगे, प्रेस कर लेंगे तो ये सेट हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि हमारी जो ये दूसरी वाली पट्टी थी इससे जस्ट पहले जो हमने लगाई है इक्वल उसके बराबर ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने दोनों का मार्जिन हाफ हाफ इंच ही रखना है, मतलब इक्वल रखना है। तो इस तरीके से हमने ये वाली सिलाई भी लगा लेनी है जैसे दोनों पट्टियों में लगाई है बिल्कुल ऐसे ही, और हाथ से पट्टी को सेट करते हुए जाना है हाफ इंच का मार्जिन अंदर करते हुए। तो देखिए ये वाली सिलाई भी हमारी पूरी हो गई है। तो देखिए ये हमारी बाजू का डिज़ाइन पूरा हो गया है, और इसी तरीके से मैंने सेम दूसरी बाजू भी बना ली है, ये देखिए ये दूसरी बाजू भी मैंने सेम तरीके से बना ली है। तो आपको ये बाजू का डिज़ाइन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।